आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीट के एक टॉपिक फ्रॉम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टोटल चार मेन पार्ट्स, मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, इन पार्ट्स के अंदर और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेड के बारे में, स्पर्म के हेड में दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एक्रोसोम और दूसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, टिप पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। एक्रोसोम जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच टेक्स पार्ट इन एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। उसके बाद वहीं अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है स्पर्मेटोजोआ का वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हैप्लॉइड होता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना है, स्पर्मेटोजोआ बना है बाय अ प्रोसेस नोन एज मियोसिस, विच इज रिडक्शनल डिवीजन, जिसके अंदर हैप्लॉइड जो प्लॉइडी होती है सेल की वो हाफ हो जाती है। तो ये न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। दूसरी चीज, जो हमारा एक्रोसोम होता है ये बनता कहाँ से है, ये डेवलप होता है गोल्जी बॉडी से। ठीक है, सेल की गोल्जी बॉडी जो है वो डेवलप हो जाती है इनटू एक्रोसोम। उसके बाद नेक वाला जो रीजन होता है स्पर्मेटोजोआ का, उसमें दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोक्सिमल एंड की तरफ है वो होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो डिस्टल एंड की तरफ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अगर हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की बात करें तो इसका फंक्शन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका यूज होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब उसके उस टाइम पे इसका काम क्या होता है, हमें पता है कि जब ओवा के अंदर ऊजेनेसिस चल रही होती है तो हमारा सेकेंडरी ओसाइट सेकेंड मेटाफेज यानी कि मेटाफेज टू में अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, मेटाफेज टू में अरेस्ट हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि उसके पास उसका सेंट्रियोल नहीं होता है फर्दर डिवीजन के लिए। तो जब फ्यूजन होता है यानी कि जब हमारा ओवा और स्पर्म इनका फ्यूजन होता है, उस टाइम पे स्पर्म अपना प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ओवा में रिलीज कर देता है सो दैट उसकी मियोसिस टू कंप्लीट हो सके। ठीक है, टू कंप्लीट मियोसिस टू। तो इसीलिए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन हमारे पास आ जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से अगर इस डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं, एक फिलामेंट निकल रहा है यहाँ से जिसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, सो डिस्टल सेंट्रियोल का रोल ये होता है दैट इट गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट पूरी टेल की लेंथ में रहता है और उससे भी बाहर भी निकला हुआ होता है। ये हेल्प करता है टेल की मूवमेंट में, जो ये फ्लैजेलर मूवमेंट स्पर्म शो करता है उसकी रैपिड मोटिलिटी में इसको हेल्प करता है एक्सियल फिलामेंट। देन हमारे पास आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म की मिडल पीस में प्रेजेंट होती है। लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, 32-35 माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं, विच आर अरेंज्ड स्पाइरली, स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड होती है मिडल पीस में। अब लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए जरूरी है क्योंकि स्पर्म को रैपिड मूवमेंट शो करनी होती है, तो उस रैपिड मूवमेंट के लिए स्पर्म को बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे स्पर्म के एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और ये एनर्जी बनेगी कहाँ से, ये एनर्जी का जो मीडियम एनर्जी के लिए जो प्रेजेंट होता है इसके पास वो होता है फ्रक्टोज। ठीक है, एनर्जी बनती कहाँ से है, फ्रक्टोज की हेल्प से एनर्जी जनरेशन करता है ये। उसके बाद ये एक्सियल फिलामेंट जो कि प्रेजेंट है टेल में, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट इसको हेल्प करता है मोटिलिटी में। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट हेल्प करता है मोटिलिटी में। दूसरी चीज जो कि हमें याद रखनी है वो ये है कि टोटल स्पर्म्स जो पर इजेक्युलेशन रिलीज होते हैं उसमें से 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए विच हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ठीक है, और आउट ऑफ दीज 60% स्पर्म्स इसमें से 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए विच हैव विग्रस मोटिलिटी। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस जरूरी है, ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है,
ये दोनों कंडीशन जरूरी हैं फॉर अ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन. क्या बताया मैंने, मैं दोबारा से बता देती हूँ, दोबारा से रिपीट करती हूँ. 60% ऑफ टोटल स्पर्म्स रिलीज्ड इन एन इजेक्युलेशन शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, और उन 60% में से 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए. यानी कि अगर हम आइडिया लेके चलते हैं, लेट सपोज देयर आर टोटल 1000 स्पर्म्स, ठीक है, ये टोटल स्पर्म है, तो इसमें से 60% स्पर्म्स, 60% स्पर्म्स दैट इज 600 स्पर्म्स, इनमें होनी चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज. और इस 600 का 40% दैट इज 240 स्पर्म्स, इनकी होनी चाहिए विग्रस मोटिलिटी, तभी जाकर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है. That's it for today. Thank you.